This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. Amazon और Walmart की Flipkart, इन दोनों पर कानूनी तलवार लटकी हुई है। दोनों दिग्गज कंपनियों के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जांच चल रही है। हाईकोर्ट पहले ही इस मुद्दे पर ई कॉमर्स कंपनियों को झटका दे चुकी है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों को खुद से जांच में शामिल होने के लिए 4 हफ्तों की डेडलाइन दे दी है। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, किस चीज की चल रही है ये जांच, हम आपको बताएंगे आज। दरअसल CCI ई कॉमर्स कंपनियों पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। आरोप ये हैं कि ये दोनों दिग्गज ई कॉमर्स कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म्स का गलत फायदा उठा रही हैं। जैसे दोनों कंपनियां अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर चुनिंदा विक्रेताओं को बढ़ावा देती हैं और प्रतिस्पर्धा को यानी कॉम्पिटिशन को दबाने के लिए सामानों पर भारी छूट का इस्तेमाल करती हैं। जैसे किसी फोन की कीमत 10,000 रुपये है, लेकिन सेल में उसे 6,000 से 7,000 रुपये में बेच दिया जाता है। ऐसे में ग्राहकों को तो फायदा हो जाता है, लेकिन लोकल दुकानदारों का काम धंधा बर्बाद हो रहा है, क्योंकि उनके पास इतनी छूट देने की गुंजाइश नहीं होती है। जिस कारण इस मुद्दे पर CCI ने प्रतिस्पर्धा कानून के प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर दोनों दिग्गज ई कॉमर्स कंपनियों के जांच के आदेश दिए थे कि आखिर ये कंपनियां इतनी छूट कैसे दे पा रही हैं। इसी पर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक CCI ने अपनी जांच में फ्लिपकार्ट से 32 संवेदनशील सवाल पूछे थे। CCI ने कंपनी से उसके टॉप सेलर्स की लिस्ट मांगी थी, साथ ही ऑनलाइन डिस्काउंट और स्मार्टफोन कंपनी के साथ हुई डील की भी डिटेल मांगी गई थी। बता दें, इसके खिलाफ फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने इस मामले में डिवीजन बेंच के सामने अलग अलग अपनी अपील दायर की। हालांकि नतीजा कुछ नहीं निकला, उल्टा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से 4 हफ्तों में खुद से जांच में सहयोग करने के आदेश कोर्ट की तरफ से दोनों कंपनियों को मिल गए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये मुद्दा इतना गर्म कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई। दरअसल दिल्ली व्यापार संघ ने CCI में इस मुद्दे पर शिकायत की थी। शिकायत में अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर बाजार में हेल्दी कॉम्पिटिशन में रोड़ा अटकाने का आरोप लगा। इतना ही नहीं, दोनों ई कॉमर्स कंपनियों पर चुनिंदा विक्रेताओं को खास तरजीह देने का भी आरोप लगा। खास तौर पर मोबाइल फोन की एक्सक्लूसिव लॉन्चिंग को लेकर आरोप लगा। इन आरोपों के बाद CCI ने कंपटीशन एक्ट के सेक्शन 26(1) के तहत जांच के आदेश दिए, जिस कारण अब फ्लिपकार्ट और अमेजोन कानूनी पचड़े में फंस गई हैं। इस पर फ्लिपकार्ट और अमेजोन की दलील पर नजर डालें तो दोनों कंपनियों का कहना है कि उन्होंने कारोबार चलाने के लिए कोई गैरकानूनी कदम नहीं उठाया है। कंपनियों के मुताबिक कंपटीशन कमीशन के पास उनके खिलाफ जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत भी नहीं है, इसलिए दोनों कंपनियां अपने खिलाफ CCI की जांच रुकवाने के लिए जद्दोजहद में लगी हुई है, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने CCI की जांच को चुनौती देने वाली याचिका को पहले ही खारिज कर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर दोनों कंपनियों को झटका दे दिया है। इससे होगा ये कि आने वाले दिनों में इन दोनों दिग्गजों को ई कॉमर्स से जुड़े नियमों में सख्ती का सामना करना पड़ सकता है।